Hello student, now today we will be going to one more concept of the treatment of goodwill. That is when there is already an existing goodwill also. आपको सामने कई बार ऐसा दिखेगा कि फर्म के पास ऑलरेडी गुडविल बुक्स में भी ऑन द डेट ऑफ चेंज इन एग्रीमेंट. सो हाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दैट विल बी डन एंड विद दैट व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ द रीवैल्यूड गुडविल ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट. And if there is some other clause related with any other changes, and then how we will be showing all these things in the partners, capital or current account. So we are showing this treatment of existing goodwill, revalued goodwill, and preparation of partners' capital account with the help of one numerical formula. R is for two partners in the ratio 4:3. This was the old ratio, and then they decided to change their profit sharing ratio into 3:2, and this. Was taken on 31/3/20 after the profit of this year was distributed. On this day, the goodwill of the firm 75,000 rupees, which was already existing in the book. आपकी जो पुरानी books थी, उसमें already 75,000 की goodwill थी. The revalued goodwill was 1 lakh. और उस दिन आपने जो goodwill revaluation किया, उस दिन आपकी goodwill जो है, वो 1 lakh रुपया ही. And the profit of rupees 1 lakh was also distributed. The profit भी distribute हो चुका था 31/3/20 को. But on this date they have decided to change the agreement and they have said that the agreement will be coming into consideration from 1/4/19. हम इसको change कब से लेंगे? 1/4/19 से लेंगे. तो 1/4/19 से अगर हम इसको चेंज लेंगे तो इस एक साल का जो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस पे भी किस तरीके से इफेक्ट आएगा दैट विल आल्सो बी एक्सप्लेन टू यू इन दिस सम. ओके, सो नाउ फर्स्ट थिंग, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो. सो वी नीड द गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूड गुडविल. Then on this date already 75,000 was the existing goodwill, तो इसका adjustment क्या होगा वो भी देखते हैं. And the profit of 1 lakh was also distributed. How it will get adjusted? Let us see this thing also. So first we will see the treatment of existing goodwill. पहले हम देखते हैं कि existing goodwill का treatment क्या है. Treatment of एग्जिस्टिंग गुडविल. अगर आपकी बुक में कोई भी गुडविल पहले से ही चल रही है सो दैट शुड बी रिटर्न ऑफ. इसको आप रिटर्न ऑफ कर दीजिए बाय डेबिटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये सारा अमाउंट जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाए. सो हियर इट इज सेड दैट योर एग्जिस्टिंग गुडविल वाज 75,000 रुपीज. सो द एंट्री विल बिकम All partners capital account, basic entry है, all partners capital account to goodwill in their old profit sharing ratio. So here there are two partners, that is R's capital account debit S capital account debit to goodwill. ये हम कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं जो पुरानी गुडविल है. ठीक, बी ओल्ड गुडविल एडजस्टमेंट. ये आपने पुरानी गुडविल का एडजस्टमेंट किया. सो अमाउंट गुडविल का है पुरानी गुडविल का, इट इज लाइक दिस, दैट इज 75,000 रुपीज. 75,000 और इस 75,000 को 4:1 में हम डिवाइड कर देंगे होल्ड रेशियो में. तो 4:1 और परमिट 4:1 75,000 को 5 से डिवाइड करेंगे 15,000 के वन पार्ट. सो 15,000 इनटू 4 60,000 एंड 1 दैट इज 15,000. सो दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग गुडविल. ये एग्जिस्टिंग गुडविल का एडजस्टमेंट आ गया. नाउ सेकंड थिंग, द रीवैल्यूड गुडविल वाज 1 lakh. अब रीवैल्यूड गुडविल 1 lakh है ऑन द डेट ऑफ चेंज इन एग्रीमेंट. सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अपने को गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए. तो
कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, ये हमारा किसके लिए है, रीवैल्यूड गुडविल को एडजस्ट करके। तो व्हाट इट इज सेड, ओल्ड वैल्यू बोथ रेशियो आर गिवन टू यू, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देयर आर टू पार्टनर्स आर एंड एस, तो आर न्यू रेशियो ऑफ आर इज 3/5 एंड 4/5 ओल्ड रेशियो। ओके, सो माइनस 1/5 कॉमन फैक्टर, तो 3 - 4 दैट इज -1/5 एंड एस 2/5 -1/5 तो दैट इज 1/5। तो ये गेन कर रहा है एंड ये सेक, सो एस इज गेनिंग एंड आर इज सैक्रिफाइसिंग। तो इस कंडीशन में फिर जनरल एंट्री बनेगी, दैट इज ऑन द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द गेनिंग एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो दिस वाज द फर्स्ट एंट्री, दैट इज आर कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दिस इज फॉर द एग्जिस्टिंग गुडविल। एंड नाउ फॉर दिस द जनरल एंट्री विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब चलते हैं अपन सेकंड वाली जनरल एंट्री की तरफ, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो गेनिंग फैक्टर इज एस, तो इट विल बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। सो अमाउंट 1/5 के हिसाब से ऑफ द रीवैल्यूड गुडविल, तो रीवैल्यूड गुडविल वॉज 1 lakh rupee, तो एडजस्टमेंट अमाउंट विल बी रीवैल्यूड गुडविल अमाउंट एडजस्टेड, तो ये अमाउंट आएगा 1 lakh इंटू 1/5 कॉमन गेन एंड सैक्रिफाइस, दैट इज 20,000 rupees। तो दोनों के अकाउंट में एडजस्टमेंट अमाउंट है 20,000 rupees का। ठीक, सो दिस इज द एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ बी रीवैल्यूड गुडविल एडजस्टेड, ये आपकी जो है रीवैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट है। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, रीवैल्यूड गुडविल वॉज 1 lakh, इसको भी अपन ने एडजस्ट कर दिया। देन कम्स द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 lakh वॉज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो प्रॉफिट 1 lakh का ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसके बाद पता पड़ा कि हमको ये एग्रीमेंट बदलना है, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में चला गया। ठीक, तो पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट से हमको इसको सेट करना है, प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो इट इज सेड दैट टू पार्टनर्स वर देयर आर एंड एस, तो आर एंड एस को प्रॉफिट मिल चुका था कितना कितना, दिस इज आर दिस इज एस, प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉर्डेड 1 lakh rupees एंड देयर ओल्ड रेशियो वाज 4:1, 4/5 फॉर आर एंड 1 lakh rupees दैट इज 1/5 फॉर एस, सो दिस बिकम्स 80,000 and 20,000। And now what they have said, profit to be recorded. ये profit record होना चाहिए था in the ratio 3:2, 3/5 and 1 lakh into 2/5. So 3/5 means 5 × 2 = 10, 20 × 3 = 60,000, और 2/5 मतलब 20, तो इसको 40, दैट मींस अकॉर्डिंगली दिस
सी शुड टेक दिस, एक पार्टनर को 60,000 और एक को 20,000, जबकि उन्हीं को मिल गया 80 और इसको मिल गया 20, तो इसमें क्या लिख रहा है, ये ज्यादा लेके गया है, ये कम लेके गया है, तो एडजस्टमेंट क्या होगा, 20,000 ये वापिस लाएगा और इसने लॉस किया है तो इसको 20,000 मिलेगी, तो ये क्रेडिट हुआ और ये डेबिट हुआ। तो जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट बनेगा डेबिट, जो गेन करके ले गया वो डेबिट, और जिसको क्रेडिट करना है वो सेक्रीफाइस कर गया तो उसको क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री से अपना ये एडजस्टमेंट कंप्लीट होगा। तो फास्ट एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री बनेगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आएगा 20,000 एंड 20,000, ये आपका एडजस्टमेंट हो गया 20,000। तो ऑल दिस थ्री एडजस्टमेंट्स आर बीइंग डन, ये तीनों एडजस्टमेंट हमने कर लिए। अब लास्टली वी हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देर आर टू पार्टनर्स इन द फर्म, अब इनके हिसाब से हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स इन द फर्म, तो हेडिंग विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स, तो पर्टिकुलर पार्टनर वन पार्टनर टू, दिस इज द कॉलम, पर्टिकुलर shares for the profit was divided, and in this date the balancing amount was 5 lakh and 6 lakh. So by balance BD 5 lakh iske account mein tha aur 6 lakh iske account mein tha. Now what adjustments we have made, अपन ने पहले देखा एग्जिस्टिंग गुडविल का, तो एंट्री बनी थी टू गुडविल आर को मिले थे 60,000 एंड एस वॉट 50,000, देन रीवैल्यू गुडविल, रीवैल्यू गुडविल ये एडजस्टमेंट आया एस एंड टू, तो इट वॉज बाय एस कैपिटल, तो एस को किसने पैसे दिए, आर ने, बाय एस कैपिटल अकाउंट एंड हियर इट इज टू आर कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे इसके अकाउंट में गए किसे जा, और यहां बाय एस करी तो आर के अकाउंट में। एंड थर्ड द प्रॉफिट ऑफ वन लैक, तो इसका एडजस्टमेंट क्या आया था आर टू एस, तो बाय आर कैपिटल अकाउंट 20,000 एस ने दिए इसको, एंड हियर इट इज टू एस कैपिटल अकाउंट। फाइनली द रिजल्ट इज 520,620, नेट अमाउंट टोटल 520 एंड 6 लाख
20,000. So two valence CD 60 and 20, 80. So 520 minus 80, that is 4,40,000. And 620 minus 35, so 26 to 5,85,000. So this is the balancing figure. This ends with 520. ये कैपिटल अकाउंट 520 से बन हुआ, ये कैपिटल अकाउंट 620,000 से हुआ. So this is how we will be preparing the partners capital account also. Okay. So how the accounting treatments will be showing the effects in the capital account on the basis of the general entities what we have drafted, we have posted these into the capital account. So now you can see that on the date of the agreement when it was changing, their balances were 5 lakh and 6 lakh respectively, and with the all adjustments what they made on the date of changing agreement, their balance has become 440 and 5 lakh 85,000 respectively. Hope this will help you in understanding the accounting treatment of goodwill with more clarifications with the new concepts. Okay? And you will be able to solve the various numericals related with the treatment of goodwill. Thank you and have a nice day.